सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप लोग? आज हम बना रहे हैं अंडे से बहुत ही मस्त वाली सब्जी। तो उसके लिए मैंने 6 अंडे लिए हैं टोटल, जिसमें से 2 अंडे मैंने बॉईल करके लिए हैं और 4 हम कच्चे अंडे इसमें यूज करेंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। ये पैन में कर लिया मैंने तेल गरम, उसमें डाल ली हूँ छोटी सी दालचीनी, 1 छोटी इलायची और 2 लौंग, बस ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे। और साथ ही डाल देंगे ये 2 प्याज हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, बड़े वाले 2 प्याज मैंने यूज किए हैं। प्याज डालने के बाद 1/2 चम्मच जीरा, और इसको अब हम प्याज को लाल होने तक भूनेंगे, ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन होने लगा तो इसमें मैं डाली हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट, इसको भी भूनेंगे पहले। 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें डाली हूँ ये देगी मिर्च, धनिया पाउडर, ये है काली मिर्च का पाउडर, ये जरूर डालिएगा, और ये हल्दी पाउडर। फ्लेम कम करके मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। और डाली हूँ इसमें मैं ये कसूरी मेथी भी है 1/2 चम्मच। और अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े वाले टमाटर हैं, इन्हें भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और साथ ही डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और अब मसाले को बहुत अच्छे से हम भूनेंगे, पानी अभी नहीं डालेंगे। मसाला भुना है अच्छे से, देखिए तेल बाहर आ गया है। अभी भी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे दोबारा बहुत अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि मसाले को अगर हम अच्छे से भूनेंगे नहीं तो वो कच्चा सा टेस्ट आएगा, करारा वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से भूनना मसाले को बहुत जरूरी है। आप 1 से 2 बार पानी रिपीट करते हुए इसमें डालिए और दोबारा से इसको बिल्कुल तेल निकलने तक हमें मसाले को भूनना है। अब ये जो 2 अंडे हमने उबाल के लिए थे, इनको हमें ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। अंडे का हमने कीमा बना देना है पूरे अच्छे से। दोनों अंडों को मैं ग्रेट कर लूंगी अच्छे से, बिल्कुल भी मोटा नहीं रहे। अब मसाले को काफी अच्छे से हमने भून लिया है, अब उसमें मैं ये जो हमने अंडे ग्रेट किए हैं बॉईल वाले वो डाल देंगे, इससे मसाले में बहुत ही बढ़िया वाला टेस्ट आ जाने वाला है। इस डिश को आप 2 तरीके से बना सकते हैं, ऐसे ही इसमें ज्यादा अंडे डाल दीजिए ग्रेट करके, और जैसे 2 अंडे अगर आप ग्रेट करके डाल देंगे तो ये एक अंडा कीमा की डिश तैयार हो जाती है, ऐसे भी ये बहुत अच्छा है। नहीं तो जो मैं करने वाली हूँ उसको फॉलो कीजिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, आधा कप से थोड़ा सा कम डाला है। अंडा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है मसाले के साथ, तो अब इसमें मैं लगभग 1/2 कप 1/4 कप पानी और डाल दूंगी, और फ्लेम मैंने कर दी है एकदम लो ताकि पानी एकदम हमारा उड़ ना जाए। अब इसमें सबसे पहले मैं स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। और 4 कच्चे अंडे जो हमने लिए थे उसे हम एक एक करके फोड़ेंगे कटोरी में, और इस तरह से प्लेस करते जाएंगे इसके अंदर। और ये चौथा अंडा, चारों अंडे मैंने डाल दिए इसके अंदर, फ्लेम मैंने लो कर रखी है। अब इसके ऊपर ऊपर मैं डाल दूंगी ये हरा धनिया, बारीक कटा हुआ लंबा लंबा मैंने अदरक लिया है, और ये हरी मिर्चे मैंने 2 फाड़ करके लंबी लंबी काट ली हैं, सब जगह रख दूंगी मैं हरी मिर्चे भी। और इसको अब हम ढक के पकने देंगे लो फ्लेम पे, एग हमारे पक जाएंगे और जितनी चीजें हमने अभी डाली हैं उन सब का फ्लेवर एग के बीच में, मसाले के बीच में बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इस सब्जी में। तो अभी हम इसको लो फ्लेम पे पकने देते हैं जब तक हमारे अंडे अच्छे से पक ना जाएं। अब मैंने इसको 15 मिनट तक पका लिया है, 15 मिनट में मुझे लग रहा है कि ये अच्छे से तैयार हो गया है, अंडे अच्छे से कुक हो गए हैं और एक्स्ट्रा पानी भी लगभग सूख चुका है। ये थोड़ा सूखा सूखा ही अच्छा लगेगा मसाला, ग्रेवी वाला उतना अच्छा मुझे नहीं लगता है। और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे
बड़ी अच्छी सी खुशबू, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है इसमें से। और अब इसको हम सर्व कर सकते हैं इस तरह से उठा के। देखिए कितना मजेदार लग रहा है देखने में। इसे आप रोटी के साथ, नान के साथ या परांठा के साथ, किसी भी चीज के साथ आप खाइए, जो भी आपको भाए। बहुत ही मजेदार ये सब्जी है, बिल्कुल चिकन मटन को ये फेल कर देगी। अगर चिकन मटन अवेलेबल नहीं है तो आप गेस्ट को अंडे ही इस तरह से बना के खिला सकते हैं। बहुत ही मजेदार सब्जी है ये। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। तो बताइएगा मुझे, अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो मिलते एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।